पार्टी हो या फंक्शन हो, रमज़ान हो या घर पे कोई भी फेस्टिवल, हम इंडियंस को बिना समोसे के कोई भी जो है फेस्टिवल हो फंक्शन हो हमें फीका ही लगता है। अगर साथ में मिल जाए इसकी खट्टी मीठी चटनी, वो भी इमली की, तो बात ही कुछ और है। तो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जायका सहनाज का। तो कैसे हैं आप सब, आइए आप सब ठीक ही होंगे। तो आज की रेसिपी आपको दिखने में जितनी ही यूनिक और जो है डिफ़िकल्ट दिख रही है, तो बनाने में बहुत ही आसान है। हम जो है आज ये डिज़ाइन वाले समोसे बनाएंगे और साथ ही बनाएंगे इसके एक मज़ेदार सी खट्टी मीठी चटनी, जिसके साथ ये समोसा खाने में बहुत ही मज़ा आ जाएगा। और समोसा इतना खस्ता बनाएंगे कि आप ऐसे ही तोड़ेंगे तो जैसे लगेगा आपने इसे हलवाई से ऑर्डर करके बनवाया है, ऐसा आज का समोसा जो है बनने वाला है। तो वीडियो में एंड तक बने रहें और रेसिपी को फॉलो करें। अगर वीडियो रेसिपी दोनों पसंद आती है तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। और चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि इसी तरह के सारे मज़ेदार रेसिपी आप सबसे पहले देख पाएंगे मेरी। और अगर बहुत सारे और भी रेसिपी देखनी है और बहुत सारे समोसों की भी रेसिपी देखनी है, जैसे कि खीमा समोसा, प्लेन समोसा और मिनी समोसा वगैरह, सारे लिंक मैंने जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाके उसे देख सकते हैं। और ये समोसा बनाना बहुत ही आसान है, बस आप रेसिपी को फॉलो करते जाएं। इंग्रेडिएंट्स तो हमें नॉर्मल समोसे के जैसे ही चाहिए, बस इसका स्टफिंग मैं आज बहुत ही मज़ेदार बनाने वाली हूँ। और ये समोसा बहुत ही जल्दी बन के तैयार भी हो जाता है, और अगर आप अपने मेहमानों को सर्व करेंगे तो ये देख के समझ ही नहीं पाएंगे कि आपने इसे कैसे बनाया है। तो फिर देर किस बात की है, तो चलिए फटाफट से ये मज़ेदार और यूनिक वाले जो है समोसे बनाना स्टार्ट करते हैं। और इसकी डिज़ाइन भी मैं आपको पूरा अच्छे से समझा दूंगी कि आप इसे फटाफट से बना के तैयार कर पाएँ। और साथ ही बनाएंगे एकदम से मज़ेदार खट्टी मीठी। सबसे पहले समोसे के स्टफिंग बनाएंगे, इसके लिए मैंने 3 उबले हुए आलू ले लिए हैं बड़े साइज़ के, और आधा कप मटर ले लिया है। और जो है आलू को हम हाथों से मैश करेंगे, लेकिन हमें इसका जो है थोड़े थोड़े बड़े बड़े टुकड़े ऐसे छोड़ना है। आप देख सकते हैं पूरा एकदम से इसको एकदम से मैश नहीं कर देना है, मैसी टाइप्स आपको इस तरह से बड़े बड़े टुकड़ों में रखना है, ताकि समोसे का जो अंदर का फीलिंग है बहुत ही यम्मी लगे। ट्राई करना आप ज़रूर, तभी आपको समझ में आएगा। तो इसी तरह से हम पहले इसको मैश कर लेंगे। तो आलू हमारा रेडी है, तो चलिए स्टफिंग बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे पैन पे एक पैन गरम होने रख लिया था गैस पे, और अब मैं मस्टर्ड ऑयल जो है 1 टेबलस्पून डाल दूँगी। इससे बहुत ही टेस्ट अच्छा आता है मस्टर्ड ऑयल से। जैसे ही ऑयल गरम होगा तो 1/2 टीस्पून जो है हम इसमें राई डालेंगे, 1/2 टीस्पून जो है जीरा डालेंगे, और जो है 2 सूखी लाल मिर्च को इस तरह से बीच से मैंने तोड़ लिया है इसको डाल देंगे, और थोड़ा सा इसको क्रैकल होने देंगे यानी कि तड़कने देंगे। जैसे ही ये तड़कने लगेगा, ग्रीट किया हुआ जो है 1 टीस्पून अदरक मैंने यहाँ पे डाला, और 2 हरी मिर्च तोड़ इस तरह से कट करके डाल दिया है। और अब मैं डालूँगी इसमें 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। इसको भून लेंगे अच्छी तरह से, और अब मैं इसमें डालूँगी अपना मटर। मटर डाल के एक बार अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, जैसे कि 1 टेबल स्पून के जितना, ताकि मसाला नहीं जलना चाहिए हमारा मसाला। और मटर के साथ अच्छे से हम इसे थोड़ा एक मिनट के लिए पका लेंगे, ताकि मटर भी हमारा सॉफ्ट हो जाए। तो अब मैं डालूंगी वो मैश किया हुआ आलू, और आलू डालते ही मैं इसमें डाल दूंगी 1 टीस्पून नमक, या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड करें। सारी चीज़ें डालने के बाद, अगर बड़े बड़े आलू आपको दिख जाएँ, बहुत ही ज़्यादा बड़े हो गए, तो आप स्पैचुला की हेल्प से इस तरह से तोड़ दीजिए और थोड़ा सा छोटे कर लेंगे। तो इसी तरह से पहले हम तोड़ लेंगे आलू को और मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद 2 से 3 मिनट इस तरह से मीडियम फ्लेम में हम स्टफिंग को पका लेंगे। तो हमारी स्टफिंग देख सकते हैं आप बन के एकदम से तैयार हो गई है। तो अब हम गैस को बंद करेंगे, तो हमारी स्टफिंग रेडी है। तो अब मैं समोसे का आटा लगा लूँगी। तो आटे के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है मैदा, तो हम इसमें 2.5 कप जो है मेजरिंग कप का यूज़ करके 2.5 कप मैदा लूँगी मैं। और अब इस तरह से बीच में जगह बनाएंगे बाकी के इंग्रेडिएंट्स डालने के लिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 1/2 टीस्पून नमक डालूंगी, और अब मैं डालूंगी 1/2 टीस्पून कलंजी, और 1 बड़ा चम्मच भर के जो है घी डालेंगे, और घी से ही हम इसको आज खस्ता करके आटा लगाएंगे। तो हाथों से इस तरह से मसलते हुए हम पहले मसलते जाएंगे, 1 मिनट या 1 से 2 मिनट के लिए इस तरह से मसल देंगे। अब देख सकते हैं, अब मैं इसको बाइंड करके दिखाऊंगी, हमारा जो है बाइंडिंग बहुत अच्छा हो रहा है। अगर आपका टूट जा रहा है तो आप इसमें और थोड़ा सा घी आप ऐड कर सकते हैं, तो बाइंडिंग हमारा अच्छा होना चाहिए, तभी हमारा जो है
समोसा बहुत ही खस्ता बन के तैयार होगा। तो अब थोड़ा थोड़ा नॉर्मल पानी डाल के हम इसका मीडियम डो लगा लेंगे, जैसे कि ना हार्ड ना ज़्यादा सॉफ्ट, मीडियम सा डो लगाएंगे, देख सकते हैं आप इस तरह से। और अब इसको ढक के मैं रख दूंगी आधे घंटे के लिए रेस्ट में। तो हमारा समोसे का आटा रेडी है, स्टफिंग रेडी है, तो अब बना लेंगे हम इसकी चटनी। तो चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है आधा कप इमली, और इसे आधे घंटे पहले से धो के अच्छी तरह से भिगा लिया था। तो इसका प्यूरी मैंने निकाल लिया है छान के, इसका जो एक्स्ट्रा जो कचरा है उसे हटा लिया है। तो अब एक पैन लेना है और उसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल। जैसे ही गर्म होगा ऑयल तो इसमें मैं जाट डालूंगी 1 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून कलंजी और 1 सूखी लाल मिर्च को तोड़ के। और जैसे ही ये तड़कने लगेगा तो मैं डालूंगी इसमें हमने जो रखा था इमली का प्यूरी। मैंने इसमें करी पत्ता डालना भूल गई थी इसमें तेल में डालना, तो मैं इसीलिए ऊपर से डाल दे रही हूँ। अब तेल में ही डालें ताकि ये साथ में तड़के। तो अगर आप भी भूल जाएँ तो ऊपर से डाल दीजिए, कोई मसला नहीं है, वो भी टेस्ट उसका आ ही जाता है फ्लेवर। तो अब इसको 1 से 2 मिनट इस तरह से हम मिक्स करेंगे, पका लेंगे। उसके बाद जैसे ही इसमें उबाल आने लगे तो हम इसमें डालेंगे शुगर। शुगर मैंने 2 टेबल स्पून डाला, और मैंने इसमें डाल दिया है 1 टेबल स्पून भर के लाल मिर्च पाउडर। और अब इसको क्या करेंगे, मिक्स करते जाएंगे और पकाते जाएंगे। अच्छी तरह से हम इसको पकाते जाएंगे जिस तरह इसका जो कच्चा स्मेल यानी कि कच्ची फ्लेवर है वो निकल जाए। तो बस ऐसे ही पकाते जाएंगे। आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो गया है, और नमक भी मैंने उस डाल दिया था, 1/2 टीस्पून नमक मैंने डाल दिया था उसमें शुगर के बाद ही। तो बस ऐसे ही पकाते जाएंगे 3 से 4 मिनट 5 मिनट, जब तक कि देख सकते हैं इसका ऑयल अलग ना हो जाए, इसका कलर चेंज ना हो जाए और ये इसी तरह से ठीक ना हो जाए। तो हमारी चटनी भी रेडी हो गई है। तो अब चलिए समोसा बनाना स्टार्ट करते हैं। तो आटे को अच्छी तरह से हाथों से एक बार मसल लेंगे। मसलने के बाद सारे तो स्टफिंग भी हमारी रेडी है। तो अच्छी तरह से मसलने के बाद छोटी छोटी लोइयां हम निकालेंगे, जैसे पूरियां पूरी बनाते हैं उसी तरह के जो है लोइयां निकाल लेंगे। तो सारे पहले मैं इस तरह से लोइयां निकाल लेती हूँ, यानी कि आटा जो है हम अलग हटा के रख देंगे इस तरह से जितना हमने लोइयां निकाला है। तो एक हमें लोई उठाना है और इस तरह से हाथों से मसलते हुए हमें इसका एक बड़ा सा मीडियम साइज़ का रोटी बना देना है। मैं आपको बेल के दिखाती हूँ। सूखा मैदा लगा के हम इस तरह से बेल लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा जो है रोटी बन के तैयार है, समोसे का मतलब जो हम बनाने वाले हैं। तो अब हम इसे डिज़ाइन देंगे, ज़्यादा मोटा नहीं बेलेंगे, थोड़ा पतला ही बेलना है। और एक साइड इस तरह से हम नाइफ के हेल्प से कट लगाते जाएंगे। अब देख सकते हैं इसे बनाना बहुत इजी है, बस इसको आप थोड़ा ध्यान से इसको कट लगा लें। और अब पूरी साइड में जो है पूरे रोटी के एकदम राउंड से हम इसमें जो है पानी लगाएंगे। पानी लगाने के बाद इस तरह से हम इसको फोल्ड कर लेंगे। अब बीच में रखना है स्टफिंग। और फिर से हर जगह लगाएंगे पानी। अब इसको इस तरह से समोसे का शेप देते हुए फोल्ड करके इसको चिपका लेना है। पानी हमने इसीलिए लगाया ताकि ये चिपक जाए अच्छी तरह से, और डिज़ाइन भी हमें दिख के आएगा, आप देख सकते हैं। और अगर चाहें तो इसके अंदर और भी स्टफिंग डाल सकते हैं, बहुत ही जगह है, और थोड़ा स्टफिंग डाल देते हैं। और फिर कॉर्नर में लगाएंगे पानी और इसको इस तरह से चिपका लेंगे। तो हमारा जो समोसा है बन के एकदम रेडी है डिज़ाइन वाले। तो आप देख सकते हैं बनाना बहुत ही ईजी है। तो मैं आपको और एक बना के भी दिखा दूंगी। तो ये देखिए बहुत ही अच्छा दिख रहा है, ये फ्राई होने के बाद और भी अच्छा दिखने लगेगा। तो चलिए और एक भी बना के मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने पहले रोटी बेल लिया है, अब फिर से हम नाइफ से उसी तरह से कट लगाएंगे।
सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे, पानी लगाएंगे राउंड में और अब फोल्ड करना है। बीच में स्टफिंग रखेंगे, और फिर से चारों ओर पानी लगाना है। और अब इसको फोल्ड करके समोसे का शेप में दे देंगे, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार हो रहा है। इसे बनाने में बहुत ही मज़ा आ रहा है मुझे, तो अभी ज़रूर ट्राई करना। फिर से थोड़ा सा स्टफिंग भरेंगे अंदर, और अब चिपकाएंगे और समोसे का शेप दे देंगे। तो देखा ना आपने कितनी जल्दी और कितनी यमी तरीके से बनके तैयार हो जाता है। और ये देखने में जितना डिफ़िकल्ट लग रहा है, बनाने में बिल्कुल भी आसान है। तो ऐसी तरह से मैंने सारे समोसे बना के तैयार कर लिए हैं। तो चलिए फटाफट से फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। ऑयल मैंने गर्म होने रख दिया था, ऑयल एकदम से हाई फ्लेम में रख के बिल्कुल भी गर्म ऑयल में समोसों को ना डालें। गैस का फ्लेम मीडियम टू स्लो में रखना है और तेल की जो टेम्परेचर है यानी कि ऑयल की टेम्परेचर है एकदम लो में होना चाहिए, और समोसों को हम डालना स्टार्ट करेंगे। आप देख सकते हैं तो समोसा हमने पलट लिया है और इसका जो डिज़ाइन है वो खिल के आ रहा है। तो इसी तरह से उलट पलट करके हम समोसा को फ्राई करेंगे, लेकिन गैस का फ्लेम बिल्कुल भी आपको हाई नहीं करना है, तो आपका समोसा जो है इतना खस्ता नहीं बनेगा। और अगर आप इसी तरह से फ्राई करेंगे तो आप बाद में इसका रिजल्ट देखेंगे कि आपको हाथ पे आपके समोसों में ऑयल बिल्कुल भी नहीं रहेगा, एक्स्ट्रा ऑयल। आप इसको हाथ से पकड़ के या छू के देखेंगे, आपके हाथों में ज़रा भी ऑयल नहीं लगेगा। अब एंड में देखना ज़रूर, आप बनाएंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो इसी तरह से चलिए मैं फ्राई कर लेती हूँ पहले समोसों को। समोसा हमारा रेडी हो गया है, तो चलिए फटाफट से हम इसको ऑयल से बाहर निकाल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं डिज़ाइन बहुत अच्छा खिल के नज़र आ रहा है। तो सारे समोसों को उसी तरह से फ्राई करते जाना है और निकालते जाना है। तो समोसा हमारा रेडी है बनके, तो चलिए इसे फटाफट से हम प्लेटिंग कर देते हैं। तो लीजिए तैयार है एकदम से डिज़ाइन वाले मज़ेदार से समोसे और साथ ही इमली की खट्टी मीठी चटनी। तो ज़रूर से आप इसे ट्राई करो और मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी और आपकी रेसिपी जो है कैसी बनी और आपको चटनी कैसी लगी वो भी बताओ कमेंट करके। तो अगर मैं फिर से मिलूँगी आपको एक अलग और नए मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।